1979 में टी रामाराव की पहली मूवी आई लोक परलोक। इस मूवी का बजट 1,10,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 2,45,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में 4,75,00,000 की कमाई हुई और ये मूवी हिट रही। 1980 में टी रामाराव की दूसरी मूवी आई मांग भरो सजना। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 2,50,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 5,00,00,000 की कमाई करी और ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद टी रामाराव की मूवी आई जुदाई। इस मूवी का बजट 1,00,00,000 रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 2,25,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 5,00,00,000 की कमाई करी और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 1981 में टी रामाराव की मूवी आई एक ही भूल। इस मूवी का बजट 85,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 2,30,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 4,45,00,000 की कमाई करी और ये मूवी हिट रही। 1982 में टी रामाराव की मूवी आई जीवन धारा। इस मूवी का बजट 45,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 75,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में 1,20,00,000 की कमाई करी और ये मूवी हिट रही। इसके बाद टी रामाराव की मूवी आई ये तो कमाल हो गया। इस मूवी का बजट 85,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 1,10,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1,30,00,000 की कमाई करी और ये मूवी एवरेज रही। 1983 में टी रामाराव की मूवी आई अंधा कानून। इस मूवी का बजट 2,30,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 5,00,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 10,00,00,000 की कमाई करी और ये मूवी हिट रही। 1984 में टी रामाराव की मूवी आई इनकलाब। इस मूवी का बजट 1,22,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 4,00,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 6,00,00,000 की कमाई करी और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद टी रामाराव की मूवी आई ये देश। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 80,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1,45,00,000 की कमाई करी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद टी रामाराव की मूवी आई मुझे इंसाफ चाहिए। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 2,90,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 5,15,00,000 की कमाई करी और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद टी रामाराव की मूवी आई जान जॉनी जनार्दन। इस मूवी का बजट 1,10,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 65,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1,00,00,000 की कमाई करी और ये मूवी फ्लॉप रही। 1985 में टी रामाराव की मूवी आई हकीकत। इस मूवी का बजट 1,80,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 70,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1,25,00,000 की कमाई करी और ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1986 में टी रामाराव की मूवी आई नसीब अपना अपना। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 85,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1,35,00,000 की कमाई करी और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद टी रामाराव की मूवी आई सदा सुहागन। इस मूवी का बजट 1,65,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 2,60,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 4,30,00,000 की कमाई करी और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद टी रामाराव की मूवी आई दोस्ती दुश्मनी। इस मूवी का बजट 1,35,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 2,45,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 3,66,00,000 की कमाई करी और ये मूवी हिट रही। इसके बाद टी रामाराव की मूवी आई नाचे मोरनी। इस मूवी का बजट 25,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 40,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 70,00,000 की कमाई करी और ये मूवी एवरेज रही। 1987 में टी रामाराव की मूवी आई संसार। इस मूवी का बजट 80,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 2,75,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 5,15,00,000 की कमाई करी और ये मूवी हिट रही। इसके बाद टी रामाराव की मूवी आई इंसाफ की पुकार। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 3,50,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 6,85,00,000 की कमाई करी और ये मूवी हिट रही। 1988 में टी रामाराव की मूवी आई खतरों के खिलाड़ी। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 2,00,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 3,55,00,000 की कमाई करी और ये मूवी हिट रही। 1989 में टी रामाराव की मूवी आई सच्चाई की ताकत। इस मूवी का बजट 1,65,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 1,45,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 2,65,00,000 की कमाई करी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद टी रामाराव की मूवी आई मजबूर। इस मूवी का बजट 2,10,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई
1,80,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 3,45,00,000 की कमाई करी। और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1990 में टी रामा राव की मूवी आई मुकद्दर का बादशाह। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 1,50,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 2,35,00,000 की कमाई करी और ये मूवी एवरेज रही। 1991 में टी रामा राव की मूवी आई प्रतिकार। इस मूवी का बजट 1,65,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 1,80,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 3,22,00,000 की कमाई करी और ये मूवी फ्लॉप रही। 1993 में टी रामा राव की मूवी आई मुकाबला। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 3,55,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 6,00,00,000 की कमाई करी और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 1994 में टी रामा राव की मूवी आई मिस्टर आजाद। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 3,25,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 4,80,00,000 की कमाई करी और ये मूवी एवरेज रही। 1995 में टी रामा राव की मूवी आई रावण राज। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 5,22,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 7,30,00,000 की कमाई करी और ये मूवी हिट रही। इसके बाद टी रामा राव की मूवी आई हथकड़ी। इस मूवी का बजट 3,00,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 4,87,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 6,90,00,000 की कमाई करी और ये मूवी एवरेज रही। 1996 में टी रामा राव की मूवी आई जंग। इस मूवी का बजट 4,50,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 4,00,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 6,00,00,000 की कमाई करी और ये मूवी फ्लॉप रही। 1999 में टी रामा राव की मूवी आई सौतेला। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 95,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 1,63,00,000 की कमाई करी और ये मूवी फ्लॉप रही। साल 2000 में टी रामा राव की मूवी आई बुलंदी। इस मूवी का बजट 7,00,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 4,00,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 7,80,00,000 की कमाई करी और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद टी रामा राव की मूवी आई बेटी नंबर 1। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 11,00,000 की हुई। पूरी दुनिया में इसने 25,00,000 की कमाई करी और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। तो दोस्तों यह था टी रामा राव का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको बॉलीवुड की A to Z सारी खबरें मिलती रहती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।